नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल टेक्नोविंस में। मैं हूँ आपका दोस्त अंसार और यहाँ पे लेके आया हूँ आज आपके लिए डेली डोज। और आशा करता हूँ आपको ये डेली डोज पसंद आएगी। अगर आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और जितना हो सके इसे फैलाइए और हो सके तो डोनेट कीजिए। तो चलिए अब पता लगाते हैं आज के डेली डोज के बारे में। तो चलिए दोस्तों, पता लगा लेते हैं आज के इस डेली डोज के बारे में। और आशा करता हूँ आपको हमारे पहले वाले वीडियोस अच्छे लगे होंगे। यहाँ पर एक वीक से ज्यादा टाइम हम आपके लिए डेली डोज नहीं लेके आए, उसके लिए तहे दिल से माफी चाहते हैं। थोड़ा काम था और उसी के चक्कर में यहाँ आपके लिए डेली डोज नहीं आ पाया। यहाँ पर आशा करते हैं आपने इस टाइम इंजॉयमेंट किए होंगे, अदर वीडियोज देखे होंगे और वेट कर रहे होंगे आप हमारे डेली डोज का। यहाँ पे बात कर लेते हैं अभी आज के सबसे पहले डेली डोज की, तो यह आ रही है एप्पल के आईफोन 11 प्रो और 11 प्रो मैक्स से। और यहाँ पर अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो चल रही है अमेजोन इंडिया पे एप्पल डे सेल, जिसके तहत यहाँ पर आपको अप टू 13,000 का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अच्छी प्राइसिंग में आपको ये दोनों स्मार्टफोन मिलने वाले हैं। अब आप बताइए क्या सोचते हैं और क्या आप इस ऑफर का लाभ उठाना चाहेंगे, तो कमेंट कीजिए और बताइए। बात कर रहे हैं अगली डेली डोज की, ये आ रही है सैमसंग के गैलेक्सी A20s से। और यहाँ पर अगर आप इसे 4GB रैम में लेना चाहते हैं तो अब यहाँ पे ₹1,000 प्राइस स्लैश हो चुकी है ऑफलाइन और ऑनलाइन स्टोर पे, और ये अब आपको मिल रहा है 12,999 का। तो बताइए क्या सोचते हैं और क्या आप इस ऑफर का लाभ उठाना चाहेंगे, तो कमेंट कीजिए और बताइए। बात कर रहे हैं अगली डेली डोज की, ये आ रही है नेटफ्लिक्स की तरफ से। और यहाँ पर इन्होंने शेयर की है ब्रॉडबैंड टॉप लिस्ट को, और इसके अंदर बताया कि जियो ने कुछ इस प्रकार से कमाल दिखाया है और जियो गीगा फाइबर टॉप पे रहा है। यहाँ पे फिर आपको देखने मिल रहा है 7 स्टार डिजिटल, फिर स्पेक्ट्रा, फिर एयरटेल और अदर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जियो गीगा फाइबर ने वापस से अपनी कमांड बना ली है और टॉप पे पहुंच चुका है। तो बताइए क्या सोचते हैं और क्या आपको यह लिस्ट पसंद आई कि नहीं आई, कमेंट कीजिए और बताइए। बात करें अगली डेली डोज की, जो ये आ रही है एक रिपोर्ट से, और ये रिपोर्ट बताती है कि जो एप्पल का आईफोन 12 है उसकी जो टाइमलाइन है उसके अंदर कोई अफेक्ट नहीं देखने मिलेगा। यहाँ पे आप जानते हैं कोरोना वायरस के कारण यहाँ बहुत दिक्कतें हो गई है, परंतु आईफोन 12 आपको सही टाइम पे मिल जाएगा और आप इसके एंजॉयमेंट ले सकेंगे। तो बताइए क्या सोचते हैं और क्या आप भी वेट कर रहे हैं नए आईफोन 12 का, तो कमेंट कीजिए और बताइए। बात करें अगली डेली डोज की, ये आ रही है सैमसंग के गैलेक्सी S20 सीरीज से। और अगर आप चाहते हैं इसे इंडिया में लेना तो प्री बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आपको प्राइसिंग का। तो बताइए क्या सोचते हैं और क्या आप सैमसंग के गैलेक्सी S20 सीरीज में से कोई नया स्मार्टफोन लेना पसंद करेंगे, तो कमेंट कीजिए और बताइए। बात करें अगली डेली डोज की, ये आ रही है सोनी कंपनी की तरफ से। और यहाँ पे इन्होंने अनवील कर दिया है नया हेडफोन, ये है WHH910N। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से देखने मिलेगा। यहाँ पे बात करें फीचर की, तो फीचर भी आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से हैं। फीचर वाइज आप देखेंगे तो अच्छा लग रहा है। यहाँ पे बात करें उठ चुकी की, तो यहाँ आप देख सकते हैं 35 आवर्स की आपको बैटरी लाइफ मिल रही है, जो कि अपने आप में गजब की चीज है। और यहाँ पे जो प्राइसिंग है वो भी गजब है, 21,990, और ये आपको फ्लिपकार्ट से मिलेगा। तो बताइए क्या सोचते हैं और क्या आप इतने पैसे लगा के सोनी के इस हेडफोन को लेना चाहेंगे, तो कमेंट कीजिए और बताइए। बात करें अगली डेली डोज की, ये आ रही है फास्टैग से। और यहाँ पर अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो ये आपको मिल रहा है 29 फरवरी तक बिल्कुल फ्री, यानी जो ₹100 हैं वो आपको देने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री मिलेगा और यहाँ पे आप फास्टैग ले सकते हैं। तो बताइए क्या सोचते हैं और क्या अब आप फ्री में फास्टैग को लेना चाहेंगे, तो कमेंट कीजिए और बताइए। बात करें अगली डेली डोज की, ये आ रही है टाटा मोटर्स की तरफ से। और यहाँ पर 4,505 यूनिट सेल कर दी है और ये हुआ है जनवरी 2020 में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टाटा एल्ट्रोस को अच्छा रिस्पांस मिला है। अब देखते हैं आने वाले टाइम में क्या होता है और टाटा की यहाँ पे जो सेल है वो बढ़ती है कि नहीं, तो आप बताइए क्या सोचते हैं और टाटा की कोई नई गाड़ी पसंद आई कि नहीं आई, कमेंट कीजिए और बताइए। बात करें फाइनल डेली डोज की, ये आ रही है हुंडई की तरफ से। और यहाँ पे दिखी है i20 और मालूम पड़ा है कि कुछ इस प्रकार से इंटीरियर मिलेगा, ज्यादा कुछ नहीं मालूम पड़ रहा है। परंतु यहाँ पर आप देखेंगे तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखो मिल रहा है डिजिटल वाला, और लग रहा है कि किलर इंटीरियर मिल सकता है और बाहर का आप साइड लुक देख सकते हैं।
तो वो लुकिंग वाइज ठीक ठाक लग रही है, ज्यादा कुछ मालूम नहीं है, तो वेट करते हैं देखते क्या होता है और किस प्रकार से हिंडई i20 आती है। तो आप बताइए क्या सोचते हैं और क्या आप हिंडई की कोई नई गाड़ी लेना पसंद करेंगे, तो कमेंट कीजिए और बताइए। साथ ही साथ बताइए कैसा लगा आज का डेली डोज। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जितना हो सके इसे फैलाइए और हो सके तो डोनेट कीजिए। मैं तो इसमें अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही था। मैं था आपका दोस्त अमन सारडा, भारत माता की जय।